हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, वेलकम बैक अगेन माय टू क्लास। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 4, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। तो आज हमें क्या पढ़ना है, मेटल और नॉन मेटल पढ़ना है। तो मेटल नॉन मेटल कॉन्सेप्ट कैसे आया, तो एंशिएंट टाइम में क्या होता, हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। कोई आयरन लेके आता है, पूछता है ये क्या है, तो हम बता सकते बस ये आयरन है, और वो मेटल है कि नॉन मेटल, उस टाइम हम नहीं बता सकते थे, ठीक है। बट जैसे जैसे साइंस ने प्रोग्रेस किया, वैसे वैसे चीज़ें ज़्यादा हम जानते गए। अब आपने देखा होगा एंशिएंट टाइम की बात हो रही थी, जब हम बहुत पहले की बात है, तो आपने अपने बुक में पढ़ा होगा लोग जो थे, जो पीपल से वो यूज़ करते थे, हैमर यूज़ करते थे, आपका नाइफ यूज़ करते थे, एज वो स्टोन का यूज़ करते थे, स्टोन के बनाते थे, ठीक है। वो क्या थे, वो स्टोन हो गया आपका, और आपका जो वुड यूज़ करते थे, ये सब जो चीज़ें थी वो नॉन मेटल थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैन लर्न अबाउट नॉन मेटल्स फर्स्ट एंड द मेटल्स लेटर। जब आप अप्रॉक्स 2500 BC में आएंगे, ओके, तब आपको जाके नॉलेज पता चलेगी कि हाँ मेटल भी कुछ होता है, ठीक है। तब जाके यानी 2500 BC में हमें पता चला कि मेटल क्या होता है, उससे पहले हमें मेटल के बारे में कोई नॉलेज, ठीक है। अब चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, मेटल एंड नॉन मेटल को। तो मेटल नॉन मेटल में हम कैसे बता सकते हैं, अच्छा नॉर्मल सी बात बताइए, अगर हमें दो लोगों में कंपेरिजन करना है कि एक अच्छा है बुरा है, तो हम किस अकॉर्डिंग में बता सकेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, अगर हम उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, उनकी कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, तब हम उनमें डिफाइन कर सकते हैं कि यार हाँ ये ऐसा है और ये ऐसा है। तो उसी अकॉर्डिंग हम मेटल और नॉन मेटल में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम जान सकेंगे कि ये मेटल है कि ये नॉन मेटल। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है, मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो मेटल की नॉन मेटल में होगी और मेटल नॉन मेटल की मेटल में होगी। तो कंफ्यूज मत होइएगा, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ हम दो टाइप की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एक प्रॉपर्टी होगी वो होगी फिजिकल प्रॉपर्टी, और एक प्रॉपर्टी होगी केमिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब बच्चों कि उसके शेप के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, उसके थिकनेस के बारे में बात करेंगे, उसके हार्डनेस के बारे में बात करेंगे, इट मीन्स उसके फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। जैसे सिंपल सा एक पर्सन की बात देखो, मैं एक क्रिकेटर की बात ले लेता हूँ, जो सबसे ग्रेट क्रिकेटर है जिनके बारे में आप सभी लोग जानते हो, मिस्टर सचिन, ओके। तो अब सचिन की फिजिकल कंडीशन के बारे में बात करें तो बोला जाएगा तो उनकी हाइट थोड़ी कम है, बट बल्लेबाजी अच्छी है, ठीक है, बॉडी से वो ठीक है, हटे घटे कटीले बॉडी वाले हैं, तो यहाँ पे उनकी बात होती है, ठीक है। अब उनकी ये तो हो गई इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, हो गई वो क्या होगी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ग्राउंड पे वो अच्छे हैं, ग्राउंड पे अच्छा दौड़ सकते हैं। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब जो हमें दिखाई नहीं दे और वो हो जाए, जैसे क्या, जैसे उनके माइंड में क्या चल रहा है, या हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्ट करता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, वो कैसे हुए, तो वो जो चीज़ें हैं वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक। अब बात करते हैं पहले हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी, तो हम बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी को। तो पहले प्रॉपर्टी आती है हमारी ये, दिस नेम इज मेलाबिलिटी। मेलाबिलिटी के मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी थिंग को अगर हैमर से चोट करते हैं, यहाँ देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू द शीट्स, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ मोबिलिटी, दैट्स कॉल्ड मोबिलिटी। इट मीन्स जब किसी भी थिंग को हम पीट पीट के, अब पीटेंगे कैसे, हैमर के थ्रू में पीटेंगे, ठीक है, पीट पीट के उसको एक फॉर्म में कर दे और वो ब्रेक डाउन ना हो। जैसे आप एल्युमिनियम की फाइल देखिए, ठीक है, एल्युमिनियम को पीटते रहे वो पतला तो होता चला जाएगा, हाँ टूटेगा, बट एक बहुत लास्ट टाइम में आके वो टूटेगा। तो जैसे आपने देखा होगा, आप जो अपना खाना पैक कर आते हो, जो टिफिन लेके आते हो, तो टिफिन में जो आपको
ब्रेड वगैरह मिलता है वो क्या होता है, एल्यूमिनियम फाइल में कवर कर दिया जाता है। तो एल्यूमिनियम फाइल क्या है, एक मेटल है, क्या है वो, एक मेटल है। जैसे यहाँ एग्जांपल मैंने लिया हुआ एल्यूमिनियम फाइल, ये तो चीज है, मोबिलिटी इसमें है कि नहीं। अब यही चीज हम देखते हैं, क्या ये नॉन मेटल में भी है, नहीं ऐसा नहीं है। नॉन मेटल्स आर नॉट मोबिलिटी, दे कैन नॉट बी हैव इन टू द सीट्स, उन्हें हैवर करके सीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ओके बच्चों, अब यहाँ पे चलिए दूसरी बात करते हैं इसके फिजिकल स्टेट की। अब फिजिकल स्टेट मतलब क्या, कि ये ठोस है कि लिक्विड है कि गैस है। तो यहाँ बात करते हैं मेटल का, तो ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। प्रॉपर्टी ये होती है कि मैक्सिमम जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, बट हर जगह थोड़े से कुछ ना कुछ अपवाद टाइप की चीजें होती हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा है, जैसे हमारा है मर्करी एंड रुबिडियम। मर्करी और रुबिडियम दो ऐसे एलिमेंट हैं जो क्वालिटी तो शो करते हैं किसकी, मेटल की, बट ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहते हैं। अब मर्करी आपको कहाँ मिलेगा, नॉर्मल सी बात है, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपके जैसे आपको बुखार है, आप हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर क्या करता है, थर्मामीटर आपके बॉडी में किसी न किसी पार्ट में या तो यहाँ साइड में लगाएगा या तो आपको मुंह में रख देता है, ठीक है। तो वो देखेंगे एक लिक्विड ऊपर जाती है, ठीक है, तो वो जो लिक्विड है दैट्स कॉल्ड अ थर्मामीटर। आप यहाँ देख सकते हो ये थर्मामीटर का एक इमेज है, ठीक। अब बात आती है, ये तो हो गया सॉलिड, अब बात कर ये हो गया नॉन मेटल का, अब बात करते हैं नॉन मेटल का। तो नॉन मेटल में क्या है, आइदर सॉलिड, या तो ये सॉलिड रहेगा या तो लिक्विड रहेगा या तो गैस रहेगा, यानी कोई फिक्स नहीं है। ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस तीनों फॉर्म में ये मिल सकता है आपको। ओके, अब गैस में क्या मिलेगा, आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा, सॉलिड में आयोडीन और सिलिकॉन मिल जाएंगे, और लिक्विड में क्या मिलेगा आपको, ब्रोमाइन। ये सारी चीजें आपको क्या मिल जाएंगी, ये नॉन मेटल में। बात करते हैं हार्डनेस की, तो जनरली हम जितने भी मेटल्स जानते हैं वो सब क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये जितने भी एलिमेंट्स हम जानते हैं वो क्या होते हैं, वो हार्ड होते हैं। बट ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो क्या होते हैं, हार्ड नहीं होते। जैसे मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, बट सम मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम कैन बी कट ईजली विथ नाइफ। यानी सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको आप नाइफ से इजिली कट कर सकते हो, ठीक। अब नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट, ये क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं। बट एक नॉन मेटल में सबसे बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, डायमंड का। डायमंड क्या है, एक नॉन मेटल है बट वो क्या है, हार्डेस्ट मेटल है। क्या है वो, हार्डेस्ट मेटल। अब बात करते हैं लस्टर की, तो लस्टर मतलब क्या होता है बच्चों, साइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। लस्टर मतलब क्या होता है, साइन की। तो जितने भी मेटल होते हैं वो सब क्या करते हैं, साइन होते हैं, लेकिन नॉन मेटल में साइन नहीं होता, ठीक है। अब मेटल में मैं आपको जैसे कुछ जैसे चीजें बता दूं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, इन सब में साइन बहुत ज्यादा होता है। वही नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसमें साइन नहीं होता, बट मैंने कहा बी यू टी, बट यहाँ पर भी कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनमें साइन होता है। जैसे आपका हो गया आयोडीन और ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट, देखिए मैं ग्रेफाइट हर जगह यूज करूंगा क्योंकि ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है ना जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी क्या शो करता है, किसकी शो करेगा, आपका एक मेटल का शो करेगा, ये कंडक्टिविटी भी बढ़ाएगा। चलिए आगे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये समझ में आए, तो चलिए इसकी अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो बात करते हैं इसकी कुछ और प्रॉपर्टी की, तो हम पहले अगली प्रॉपर्टी लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या होता है कि उसकी इतनी एबिलिटी कि वो वाटर पे चल पाता है कि वाटर के अंदर डूब जाता है। मैक्सिमम मेटल की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मल सी बात है, आपने देखा होगा एक शिप को शिपे जाते हुए, बट एक हम आयरन का टुकड़ा अगर छोड़ दे तो वो क्या होता है, वाटर में डूब जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होगी, वाटर की डेंसिटी से अधिक हो जाती है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे डेंसिटी की बात करें तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स क्या होती है, हाई डेंसिटी की होती है, बट सम मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, यहाँ बात करने किसकी की, सोडियम की पोटेशियम की और मैग्नीशियम की। सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी क्या है, लो है, यानी वाटर पे तैर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे लाइटेस्ट
तो डेंसिटी की, तो लाइटेस्ट डेंसिटी जो है सबसे अधिक लाइटेस्ट डेंसिटी वो है लिथियम की। तो किसकी है? लिथियम, यानी लिथियम एक ऐसा मेटल है जिसकी डेंसिटी क्या बहुत ही कम है। नॉर्मल सी बात है, अगर इसकी डेंसिटी बहुत ही कम है तो आप मुझे बताओ क्या ये वाटर पे चल पाएगा? डेफिनेटली ये वाटर पे तैर सकता है इजिली। ओके, अब डेंसिटी हो गया इसका, तो मेटल की डेंसिटी क्या होती है? ये क्या होती है? बहुत ही लो डेंसिटी होती है। जैसे वुड हो गया, वुड नॉर्मल आप वुड को नीचे वाटर में फेंक दीजिए, वो ऊपर उसका तैरता रहेगा, वो इसके अंदर डूबेगा नहीं। बात करते हैं डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर। मतलब क्या होता है? जब हम वायर को खींचते जाए और वो पतले पतले वायर में बनता चला जाए। सिंपल सी बात है, जैसे हम बात करते हैं गोल्ड की, आपने देखा होगा गोल्ड की ज्वेलरी बनती है, सिल्वर की ज्वेलरी बनती है। तो होता क्या है, गोल्ड को बहुत ही खींच खींच के एकदम पतले पतले वायर बनाए जाते हैं। उसके बाद जो होता है डिजाइन उसको बना लिया जाता है। तो इसकी जो डक्टिलिटी होती है बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ही अच्छी होती है, जल्दी टूटता नहीं है, ठीक है, वो खींचते चले जाते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ओके, तो हम बात करते हैं टू मोस्ट डक्टिलिटी मेटल्स का, तो वो कौन सा है? गोल्ड और सिल्वर। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्या होते हैं गोल्ड और सिल्वर। पर नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता, हम किसी ऑक्सीजन गैस को खींच नहीं सकते हैं और किसी कार्बन डाइऑक्साइड को गैस खींच नहीं सकते हैं, हम ग्रेफाइट को खींच के बड़ा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो अगली प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी। तो बच्चों नॉर्मल सी बात है, कंडक्टिव की बात आती है मतलब हीट का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर, नहीं ही इलेक्ट्रिसिटी का भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो ट्रांसफर होता है वो किसकी वजह से होता है? कंडक्टिविटी की वजह से होता है। सपोज करो अगर जो वायर है ये मेटल के ना होकर नॉन मेटल के होते तो क्या करंट एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता। हमारी बात आप तक पहुंच रही है, ये कहीं ना कहीं एक कंडक्टिविटी की ही प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारी बात आप तक पहुँच रही है, ठीक। बात अलग है, बात सेम है, मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। तो कंडक्टिविटी में क्या होता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर। मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं नॉर्मल। इसीलिए जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो खाने पीने वाले बर्तन होते हैं या फिर इलेक्ट्रिक जो चीज़ें होती हैं वो किसकी बनाई जाती है? वो बनाई जाती है मेटल्स की। जैसे वायर हो गया, जो एल्यूमिनियम वायर हो गया, जो पावर सप्लाई करता है एक जगह से दूसरी जगह पावर सप्लाई करता है। मैं घर की वायरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, चलिए घर की वायरिंग की बात कर लीजिए। तो घर में जो वायरिंग होती है, तो आपने देखा होगा जो वायर होते हैं उनके ऊपर तो प्लास्टिक की कोटिंग होती है, बट अंदर उसके आप देखेंगे तो क्या होते हैं, मेटल होते हैं, या तो कॉपर होगा या तो फिर आपका नॉर्मल एल्यूमिनियम की वायर होती है, ठीक। तो अब ऊपर उस प्लास्टिक क्यों लगाया जाता है या फिर प्लास्टिक की कोटिंग क्यों ही जाती है? क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो क्या होता है, नॉन कंडक्टिव होता है। तो जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन कंडक्टिव होते हैं, ठीक। बट यही नॉन मेटल में एक और हमारे पास क्या है, एक चीज़ ऐसी भी हमारे पास है जो क्या है, नॉन मेटल तो है बट वो क्या करते हैं, एक बहुत ही अच्छे कंडक्टर है, कैसे, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो बात करते हैं कार्बन की, तो आप जानते हैं इस समय सबसे बड़ा जो इशू है हमारे एटमॉस्फेयर में एनवायरनमेंट वो कार्बन। कार्बन जैसे जैसे बढ़ रहा है हीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो हीट का प्रॉपर्टी होती है वो क्या कर रही है, जो कार्बन की प्रॉपर्टी वो क्या, वो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक, एब्जॉर्ब करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जा रही है। तो ये क्या कर रही है, एक तरह से हीट का कंडक्शन कर रही है। अब ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक का एक अच्छा खासा वो क्या है, कंडक्टर है। सॉरी, आपके यहाँ जो पेंसिल है, आपके हाथ में जो पेंसिल है, पेंसिल के बीच में जो हो रही है ना ब्लैक कलर की, दैट्स फॉर अ ग्रेफाइट, वो एक ग्रेफाइट है। आप उससे इलेक्ट्रिक भी जनरेट कर सकते हो, बट मेरी ये सजेशन है बेटा ट्राई मत करिएगा, आपको चोट लग सकती है, ठीक है। दूसरी बात सोनोरस की, देखो सोनोरस का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी वायर को, किसी भी एलिमेंट्स को अगर हम खींच के उसके वायर को थोड़ा खींच के छोड़े तो उसमें क्या होती है, उसमें रिंगिंग की साउंड आती है। जैसे गिटार का वायर देखिए, तो गिटार के वायर को आप टच करते हो तो उससे कैसी कैसी अच्छी अच्छी वॉइस आती है, अच्छा बजाओ लेते हो, अच्छा आता है आपको बजाने तो अच्छी साउंड आएगी, अगर प्ले करना आपको नहीं आता तो फिर समझ लीजिए कैसी साउंड आएगी, ठीक। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको कंडक्ट कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो होती हैं। तो मेटल में सोनोरस का क्वालिटी होता है बट नॉन मेटल में ऐसा कोई भी क्वालिटी नहीं होता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हो गई, यहाँ पे हमारी क्या ख़त्म होता है, यहाँ पे जो चीज़ें ख़त्म होती है हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी।
तो ये पार्ट वन था जिसमें हमने बात किया इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की। पार्ट टू लेकर जब मैं आऊंगा तो वहाँ हम बात करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टी की, इसकी कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है। तब तक के लिए आप सबसे मैं विदा लेता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में जब मैं मिलूंगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। तब तक के लिए साइन आउट।